राज्यसभा की दो सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ और सुरेंद्र नागर ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। दोनों ने जो सीट छोड़ी थी उन्हीं सीटों से दोबारा से अपनी उम्मीदवारी पेश की है। देखिए रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी छोड़ हाल ही में बीजेपी में शामिल होने वाले सुरेंद्र नागर और संजय सेठ को बीजेपी ने अपना राज्यसभा प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने दोनों नेताओं को टिकट दिया है। सुरेंद्र नागर ने 2 अगस्त को और संजय सेठ ने 5 अगस्त को इस्तीफा दिया था। इनका कार्यकाल 4 जुलाई 2022 तक है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। इस मौके पर सुरेंद्र नागर ने कहा कि मैंने कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A हटाए जाने के फैसले से प्रभावित होकर बीजेपी ज्वाइन की है। देखिए, जो मैंने निर्णय लिया वो एक बड़ा निर्णय था। देश में 70 साल के बाद किसी सरकार ने 370 और 35A जैसी जो धाराएं थी, जो टेम्परेरी थी, देश को एक करने में बाधक थी, कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने में बाधक थी, उनको हटाने का निर्णय केंद्र की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार ने जो निर्णय लिया उसके समर्थन में मैंने भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा से इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही दोनों नेताओं का निर्विरोध निर्वाचित होना तय है। सपा के पूर्व राज्यसभा सदस्य संजय सेठ और सुरेंद्र नागर अगस्त में इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। उनके इस्तीफे से खाली हुए सीटों पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी ने इन्हीं दोनों को उम्मीदवार बनाया है। और लोग चाहते हैं कि देश को बनाने वाले कौन लोग हैं, देश को सही दिशा कौन दे सकता है, ये हर व्यक्ति जानता है। इसलिए लोगों का सहज आकर्षण भारतीय जनता पार्टी के प्रति है और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया है, इससे लोगों में विश्वास बढ़ा है। 70 साल की समस्या को 70 मिनट में हल कर दिया है, तो लोगों को लगा कि बीजेपी ही है जो कुछ कर सकती है। बीजेपी का खौफ नहीं, बीजेपी का प्यार है और बीजेपी के प्रति विश्वास है लोगों का। जितना विश्वास बीजेपी के प्रति बढ़ता जा रहा है जनता में, उतना ही अन्य लोगों में अपने दल के प्रति आक्रोश इसलिए बढ़ रहा है कि जो दूसरे दल हैं आज वो मुद्दा विहीन हैं, आज वो विकास की बात नहीं करते हैं, बल्कि वो इस बात को ज्यादा शामिल करते हैं कि बीजेपी पे कैसे कोई अनर्गल आरोप लगाया जा सके। आपको बता दें कि इस चुनाव में सपा और बसपा अपने उम्मीदवार नहीं उतार रही है। ऐसे में सेठ और नागर का निर्विरोध निर्वाचित होना तय माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 2 रिक्त सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र नागर और संजय सेठ ने अपना अपना नामांकन किया है। नामांकन के बाद 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 16 सितंबर को उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्य का चुनाव 23 सितंबर को होगा। साथ में कहना पड़ रहा है कि हम बीजेपी के साथ में जुड़े हैं और जिस तरीके से पूरे देश ने बहुमत दिया है इस वक्त और जिस तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें हम लोग का भी थोड़ा बहुत जो योगदान होगा उसी के लिए हम बीजेपी में साथ में जुड़ के काम करना चाहते हैं। देखने वाली बात यह है कि सपा छोड़ने के बाद सपा पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। बावजूद इसके सपा ने दोनों सीटों पर उपचुनाव के लिए अपने किसी भी उम्मीदवार को नहीं उतारा और न ही बसपा ने किसी उम्मीदवार को नागर और सेठ के खिलाफ खड़ा किया है। ऐसे में दोनों ही उम्मीदवारों की जीत तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज।